खबर जोबट से, आंबुआ में दुकान से हुए मोबाइल की चोरी की घटना का महज 2 दिन में पुलिस ने किया पर्दाफाश। चोरी गए सभी 17 मोबाइल किए बरामद। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 17 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस थाना क्षेत्र के आंबुआ कस्बे के बस स्टैंड से अज्ञात बदमाशों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था और 17 मोबाइल चोरी कर लिए। एसपी हंसराज सिंह ने मार्गदर्शन में जोबट एसडीओपी निरोज नामदेव के निर्देश पर टीम गठित की और पुलिस ने दबिश देकर 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा और जिसमें एक बालक को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उनके कब्जे से 17 मोबाइल और नकदी 1290 और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर कार्रवाई की है। 17 मोबाइल की कीमत 1,41,500 बताई गई है जबकि नकदी 1290 और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल कीमत 1,60,000 पुलिस ने की है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी दिलीप सिंह चंदेल के साथ ही मनीष कुमार, समीर खान और अन्य महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये देखिए, थाना अम्बुआ पे 7 तारीख की दरमियानी रात फरियादी मुकेश ने एक रिपोर्ट किया था कि इसकी दुकान में 17 मोबाइल और लगभग 12,000 रुपये नकदी की चोरी हो गई। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्परता से एक्शन लिया गया और मेरे निर्देशन में एक टीम गठित की गई जो कि थाना प्रभारी अम्बुआ दिलीप चंदेल को लीड कर रहे थे और टीम द्वारा अलग अलग स्थानों को दबिश दी गई। मुखबिर सूचना तंत्र हमने डेवलप किया जिससे हमें पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं दुकानों में मोबाइल बेच रहे हैं, नए मोबाइल। तत्काल पुलिस ने अपनी टीम रवाना करी और इस संपूर्ण कार्रवाई में हमने इसमें 3 बालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक इसमें विधि का विरुद्ध बालक है। इन सभी आरोपियों के कब्जे से 17 मोबाइल जब्त कर लिए हैं पुलिस ने, जो कि एक बड़ा अचीवमेंट है कि 17 मोबाइल चोरी गए थे और 17 के 17 रिकवर हुए हैं। इसमें कुछ नकदी भी जब्त की गई है, शेष नकदी जो है इन्होंने खर्च कर डाली है। इससे मैं बता दूं कि पुलिस ने इसमें तत्परतापूर्वक अपराध क्रमांक 212/23 धारा 457 380 भादावी का पंजीकृत कर विवेचना में लिया था और इसमें हमने पूरे के पूरे 17 मोबाइल रिकवर किए हैं जो लगभग 1,41,500 रुपये के आसपास इनका मूल्य है। और इस संपूर्ण घटनाक्रम में थाना प्रभारी अम्बुआ दिलीप चंदेल का विशेष योगदान रहा, उनकी टीम का विशेष योगदान रहा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संपूर्ण टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। इसके साथ साथ मैं जो हमारे अम्बुआ क्षेत्र के व्यापारी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी दुकान में CCTV कैमरे लगवाएं और इसमें एक विशेष प्रकार का एक अलार्म भी लगता है कि रात्रि में जब आपकी दुकान में कोई भी अनाधिकृत प्रवेश करता है या कोई ऐसा एक्सेस होता है तो वो अलार्म बजने लगते हैं। इस अलार्म का मूल्य ज़्यादा नहीं है, लगभग 1200 से 1500 रुपये का आ जाता है। तो जब इसमें पुलिस को भी सहायता होती है कि रात में कोई व्यक्ति जब चोरी के लिए घुसेगा तो वो अलार्म बजेगा तो उससे चोर भी भाग जाएगा और आसपास के लोग भी अलर्ट हो जाएंगे। साथ साथ इस अलार्म का जो मैसेज है वो संबंधित के मोबाइल पे भी जाता है और मोबाइल पे भी वो अलार्म बजने लगता है जिससे वो मालिक भी अलर्ट हो जाता है। तो ये मेरा विशेष अनुरोध है कि कृपया उक्त कार्रवाई को संपादित सभी व्यापारी कर लें। खबर भारतवर्ष के लिए अलीराजपुर जोबट से वासुदेव वाणी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।